नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है, कोई अपराध हुआ होता है, तो वह व्यक्ति यदि कोर्ट में कंप्लेंट केस करता है, तो कंप्लेंट केस करने के उपरांत वह कौन सा प्रोसीजर होता है जिससे गुजरना पड़ता है कि अभियुक्त यानी जो एक्यूज्ड है वो न्यायालय में हाजिर हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए ताकि हमारी और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। दोस्तों, जब कंप्लेंट केस फाइल होती है कोर्ट में, तो फाइल करने के बाद जो परिवादी होता है उसकी परीक्षा ली जाती है। परीक्षा लेने का प्रावधान जो है सीआरपीसी के सेक्शन 200 में किया गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादी की परीक्षा ली जाएगी। परिवादी सशपथ अपना बयान देगा कि उसके साथ कौन से लोग थे जो घटना कारित किए और एक्चुअल घटना हुई क्या थी, घटना का समय, घटना का स्थान और घटना को किसने देखा और किस तरह से घटना हुई। तो उसके उस बयान के जो सारांश होते हैं उस सारांश को लेखबद्ध किया जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा। उसके बाद की जो प्रक्रिया ये होती है कि यदि उस घटना को देखने वाला कोई और भी विटनेसेस है, कोई और भी अगर साक्षी हैं, तो उनके भी बयान लिए जाते हैं और उन साक्षियों के जो बयान होते हैं वो सेक्शन 202 सीआरपीसी के अंतर्गत लेखबद्ध किए जाते हैं। अब 200 का बयान जो हुआ और 202 सीआरपीसी का बयान हुआ, दोनों बयानों को लिखने के बाद मजिस्ट्रेट ये तय करते हैं कि क्या यह मामला कुछ ऐसा अपराध बनता है जैसा कंप्लेंट दाखिल किया गया है। तो इन परिस्थितियों के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, इसमें अपराध बन रहा है, तो उस स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा सेक्शन 204 सीआरपीसी के अंतर्गत मुल्जिमान जो होते हैं, अभियुक्त होते हैं, उन्हें तलब कर लिया जाता है। तलब करने की सिचुएशन ये है कि यदि लगता है कि वह मामला समन ट्रायल है और संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा जो आदेशिका जारी की जाती है उसे हम समन कहते हैं, वो समन ट्रायल मामला होता है। तो ऐसे में उसे समन से उसको सूचित किया जाता है और यदि वो मामला थोड़ा सा हीनियस है, सेशन ट्रायल का है या मजिस्ट्रेट ट्रायल है लेकिन संज्ञेय अपराध के कोर्ट में आता है, तो ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को वारंट जारी किया जाता है। और या उसको लगता है मजिस्ट्रेट को कि नहीं, ये मामला समन पहले सूचना दी जाए, तो समन भी भेजा जा सकता है। यह मजिस्ट्रेट के अपने अधिकार हैं कि वो समन भेजेंगे कि वारंट ट्रायल मामले में सीधे वारंट भेजेंगे। मजिस्ट्रेट को यह भी लगता है कि जो बयान परिवादी के आए हैं और जो बयान विटनेसेस के आए हैं, जो साक्षी हैं जिनका बयान 202 सीआरपीसी के अंतर्गत कराया गया है, और जो परिवाद पत्र में जो कंटेंट है ये काफी डिफरेंट है, कुछ ऐसा तथ्य नहीं मिल रहा है कि कोई ऐसा अपराध घटित हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि सेक्शन 203 सीआरपीसी के अंतर्गत वह परिवाद पत्र को निरस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि 200, 202, 203, 204 जो सीआरपीसी है इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। परिवाद पत्र दाखिल करने के बाद कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे गुजरना पड़ता है कि मुलजिम न्यायालय तक आ सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को हमारे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।